हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी, सूजी आलू का कुलचा। वैसे तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। इस रेसिपी को बनाना बहुत इजी है। घर के सामानों से ही आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम किसी बड़े बर्तन या बाउल में सूजी लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी सूजी ली है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर के हिसाब से। फिर उसमें हम डालेंगे 1 कप दही, थोड़ा सा नमक। नमक को थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि अभी हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे जिसमें भी हम नमक डालेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। फिर बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। फिर से हम कवर करके 15-20 मिनट के लिए अलग रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करके उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। फिर उसमें हम 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। फिर 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। फिर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया जिसे बारीक चॉप कर लिया है, और 7 से 8 हरी मिर्च है। यहाँ पर मिर्च तीखा बिल्कुल नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है। 1 शिमला मिर्च जिसे बारीक काट के ले लिया है। सारी चीजों को हम हाई फ्लेम में 5 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और साथ में हम थोड़ा सा हींग भी यहाँ पर मैं डाल दूंगी। हींग ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक गई। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। फिर मैं 6 से 7 आलू यहाँ पर बॉइल करके ले लूंगी। आलुओं को बड़े टुकड़ों में मैश करके लिया है। फिर आलुओं को भी मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। आलू के मसाले को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे हमारी फीलिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर। नमक ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। इसे लगभग मैंने 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही भुना है। फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी हरी मटर। यहाँ पर मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मटर को मैंने 1 से 2 मिनट तक उबाल लिया है पानी में। बाद में मैंने मटर इसलिए डाला है ताकि इनका कलर हरा बना रहे। मटर को पहले या तेल में या मसालों के साथ डालने से जो उनका कलर होता है ना वो चला जाता है, और मटर में एक सिकुड़न सी पड़ जाती है जो अच्छी नहीं लगती देखने में। हरी और खिली खिली मटर किसी का भी मन लुभा सकती है। मटर को भी मैंने 2 मिनट के लिए भुना है। फिर मैं यहाँ पर डालूंगी खूब सारा हरा धनिया। साथ के साथ जो हमारा मसाला कढ़ाई में चिपकता जा रहा है नीचे, उसे भी हम धीरे धीरे निकालते जाएंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आलू का मसाला बनके तैयार है। चलिए अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। बैटर हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। सोडे को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है इसलिए हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। फिर पानी को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सोडा डालने के बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसे हम फटाफट बनाते हैं चल के। सबसे पहले हम पैन या तवे को गर्म करके उसमें 1 चम्मच तेल डाल के उसे ग्रीस करेंगे। फिर उसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर को भी हम कलछी से हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके फैला देंगे। आप एक साथ 2 या 3 भी बना सकते हैं। बैटर को थोड़ा थोड़ा करके 3 जगह पर डाल दीजिए। बैटर को फैलाने के बाद फिर से हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 3 मिनट बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल हम कुलचे के ऊपर भी लगा देंगे। फिर हम कुलचे को दूसरी साइड की तरफ से पलट देंगे। फिर कुलचे के ऊपर 1-2 चम्मच आलू की जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी है उसको भी हम फैला देंगे। फिर आलू के मसाले के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे ताकि आलू का मसाला अच्छी तरह से छिप जाए। बैटर को हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैला देंगे। फिर हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा साइडों में भी डाल देंगे। फिर से हम कवर करके लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक के लिए और पकने देंगे ताकि ऊपर का जो बैटर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे दूसरी साइड भी पलट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई हुआ है।
फिर हम साइडों में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि कुलचा हमारा दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट के लिए फिर इसे हम कवर करके पकाएंगे ताकि दूसरी साइड से भी परफेक्ट पक जाए। 2 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से मसालेदार, इसका आलू बहुत टेस्टी है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना मस्त है। 1-2 मिनट के लिए इसको और सेक लेंगे दोनों साइडों से। साइज में से आप छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं, आप इसे आयरन के तवे में भी बना सकते हैं। बस लोहे के तवे को हाई फ्लेम में गर्म करके उसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए और फिर तेल को किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। आपका नॉन स्टिकी तवा तैयार है। लीजिए यहाँ पर सूजी आलू का कुलचा बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे कुलचे बना लेंगे। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कुलचा काट के दिखाती हूँ ना, अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत ज्यादा क्रंची। आप इसे सॉस या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास डोसे वाली नारियल की चटनी है इसलिए मैं इसे चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, चटनी के साथ खाएं, कैसे भी खाएं, चाय से खाएं, बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली या दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।